मित्रों, मैं फिर एक बार देश की विद्यार्थियों को, देश की नौजवानों को, देश की उन विद्यार्थियों की अभिभावकों को और शिक्षा जगत से जुड़ी हुई सभी स्टेक होल्डर्स को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाले सरकार उनकी स्वार्थ को सर्वोपरि रखते हुए काम करती है और हम किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रोत्साहित करने वाले ताकत को बख्शेंगे नहीं, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। मित्रों, सारे के अंदर मैं और एक विषय उल्लेख करना चाहता हूं। पिछले नीट की मामला जब सामने आई है, विरोधी दल की भूमिका आज की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद भी स्पष्ट हुई है। विशेष करके देश की नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष काल तक जो रवैया अपनाए थे, देश की एग्जामिनेशन सिस्टम को अमान्य करना, उसको सेम कहना, उसको रबीश कहना, यह उनकी बौद्धिक स्तर का प्रमाण करती है। आज देश की इसी सारे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में ना केवल भारत में, विश्व में हमारी IITian, हमारी भारतीय शिक्षा व्यवस्था से पढ़े हुए इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, IIM जैसे इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए विद्यार्थी दुनिया में अपना प्रतिष्ठा बनाए हैं। भारत की इसमें प्रतिष्ठा बनी है। ये सारे एग्जामिनेशन को निंदित करते हुए राहुल गांधी जी भारत को ही निंदा पहुंचाए हैं। देश की विद्यार्थियों को गुमराह करना, भ्रम पैदा करना, सामाजिक तनाव के लिए प्रोत्साहित करना, यह उनकी राजनीति का एक योजनाबद्ध हिस्सा रहा है। देश में लगातार चुनाव पराजय को स्वीकार नहीं करने के कारण एनार्की, सिविल अनरेस्ट उनकी रणनीति की हिस्सा बनी हुई है। मैं उनको अपील करता हूं, पिछले दिनों में देश के अंदर और समूचा विपक्ष की जो लोग, जिन लोगों ने इस गैर जिम्मेवाराना कामों में लगे थे, इन सबको मैं अपील करना चाहता हूं, कम से कम देश की नौजवानों को, देश की विद्यार्थियों को, उनकी अभिभावकों को वो माफी मांगना चाहिए। राजनीतिक विषय अलग हो सकती है, लेकिन देश की विद्या, मैं शुरू से कह रहा हूं, मैं राजनीतिक भाषा नहीं बोलना चाहता हूं। मैं कल लोकसभा में जिस प्रकार की कुतर्क दिया गया, भारत की शिक्षा प्रणाली को निंदित करने का अपचेष्टा किया गया, आज मैं अत्यंत दुख के साथ मर्यादा में रहते हुए अपील करना चाहता हूं कि आपने देश को ठेस पहुंचाया है, देश में एनार्की खड़ा करना चाहे, देश में एक सिविल अनरेस्ट हो, ये उसकी आपने षड्यंत्र किया, देश आपको माफ नहीं करेगा। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अलग हो सकती है, राजनीतिक वाद विवाद अलग हो सकती है, लेकिन देश के विद्यार्थी बच्चे सभी के हैं, ये कोई पार्टी के नहीं होते हैं। उनकी खुशी, उनकी नाराजगी हम सभी के हैं। इसलिए मैं पिछले लगभग 2 महीने से सारा विषय को बड़े बारीकी से सरकार की ओर से हम देख रहे थे और संभाल भी रहे थे। हम भी कोशिश कर रहे थे कि कोई किसी भी प्रकार की हमारी वाणी के कारण किसी को आहत ना पहुंचे, लेकिन मित्रों, मैं आज फिर सुप्रीम कोर्ट की इस ऐतिहासिक जजमेंट के बाद फिर कहूंगा, सत्यमेव जयते, सच कभी छुप नहीं सकता है। कुछ विषय मैंने कल पार्लियामेंट में कहा भी है, देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए
विशेष करके नौजवानों के हितों को सुरक्षित करने के लिए। किसने क्या किया है ये ऑन रिकॉर्ड है। हमने तो अपना हिसाब दिया कि हमने पब्लिक एग्जामिनेशन को सुचिता के साथ जोड़ने के लिए कानून भी लाया। जिन लोगों ने 2010 में कानून ला के वापस कर लिए उनको ही उत्तर देना पड़ेगा, किसकी दबाव में आपने कानून ला के आप उसको वापस किए थे। ये सारा विषय समाज के सामने अभी चर्चित है, उसमें सबको अपना अपना उत्तर देना ही पड़ेगा। ठीक है, सीबीआई ये कॉम्पिटेंट एजेंसी है, सीबीआई को अपने काम करने दीजिए। सीबीआई के ऊपर कोर्ट ने भी अपना विषय रखा है, हमें सीबीआई पे भरोसा है। सर, जो आगे का प्रोसेस है काउंसलिंग वगैरह का, वो कब से शुरू करेंगे, कुछ छात्रों को बताना चाहिए। देखिए, एक कुछ सुझाव, कुछ ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में दिया है। जल्द ही एनटीए फाइनल मार्कशीट एक दो दिनों के अंदर प्रकाशित कर देगा, वो स्वास्थ्य विभाग या एनएमसी के पास चला जाएगा। एनएमसी जल्दी से जल्दी उसकी काउंसलिंग शुरू करेगा, ऐसा हमारी भरोसा भी है। एक उच्च स्तरीय कमेटी हमने डॉक्टर प्रोफेसर राधाकृष्णन जी के नेतृत्व में बनाई है। राधाकृष्णन कमेटी सारे पहलुओं पे सभी से विचार कर रहा है, सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा है। और मैं आपको कहूं कि जिस विषय को हम लोगों ने एक कमिटमेंट के नाते लिया है कि हमें आज 21 सेंचुरी स्तर की एक संगठन एनटीए को बनाना है, हमें ट्रांसपेरेंट, टेम्पर फ्री, जीरो एरर वाला ऑर्गेनाइजेशन एनटीए को बनाना है। उसके लिए जिस भी प्रकार की टेक्नोलॉजी, जिस भी प्रकार की ग्लोबल प्रैक्टिसेस को अपनाना पड़ेगा। उस कमेटी उस दिशा में काम कर रही है। उस कमेटी की अवधि 2 महीना हुआ है, 2 महीना है, अभी जुलाई में हम लोग हैं। मैं निश्चित रूप में अपेक्षा रखूंगा उस कमेटी अपने समय के अंदर उस अपने रिकमेंडेशन देगी। उस हिसाब से एनटीए की नए अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं, एक वरिष्ठ अधिकारी आदरणीय प्रदीप खोरोला जी उसकी दायित्व में है, वो भी खुद में खूब मेहनत कर रहे हैं। एनटीए को और विश्वसनीय बनाने के लिए हम लोग सब लोग प्रयास करेंगे। अभी तो उसकी एनटीए ने नया तिथि भी घोषणा कर दिया है। देखिए, सब विषय में हम कोई भी चीजों में 1% की शंका में नहीं रहना चाहेंगे। प्री AIPMT जब होता था, हमारी सामने एक तुलनात्मक तथ्य है, जब AIPMT होता था और जब से नीट हुआ है, अगर उसमें से पिछले दिनों में से सबसे ज्यादा लाभ किसको मिला है, देश के ग्रामीण विद्यार्थियों को मिला है, देश की बच्चियों को मिला है। गर्ल स्टूडेंट्स आर डूइंग मच मोर इन नंबर्स इन कंपैरिजन इन द डेज ऑफ PMT। SC स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ी है, ST स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ी है, OBC स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ी है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस की संख्या बढ़ी है। पहले 2 लैंग्वेज में होता था, अभी 13 लैंग्वेज में होता है। आज नीट के एग्जामिनेशन सेंटर 4,750 तक पहुंच चुकी है। यह उसकी व्यापकता दर्शाती है। कुछ लोग तथ्य को ना जाते हुए, सत्य को ना जाते हुए कहते हैं कि यह धनियों के लिए परीक्षा है। ये परीक्षा तो सही मायने में बच्चियों के लिए है, ग्रामीण बच्चियों के लिए है, आदिवासी, दलित, OBC और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन बच्चे उसकी सबसे लाभार्थी है। और बाकी रहा एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को आने दो। दोनों प्रकार की परीक्षा में अपना अपना तरीके हैं, OMR हो या CBT हो, लेकिन आने वाले दिनों में जो हाई पावर कमेटी जिस प्रकार की रिकमेंडेशन करेगा, इस हिसाब से NTA अपना काम करेगी। देखिए, हमने जो मद्रास चेन्नई IIT ने जो एनालिसिस हमने सामने रखी है, उसमें कई चीज दर्शाती है और आपके सामने भी है, कहां कहां से ज्यादा बच्चे अच्छे करते हैं। जदि आपन को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।